खरगोन उपद्रव घटना के बाद उपद्रवियों की सर्चिंग लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट महिलाओं ने मंगलवार को मोहन टाकिज इलाके में चक्का जाम किया था, जिसके एवज में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें एक महिला डॉक्टर सहित 6 महिला पुरुषों पर FIR दर्ज हुई है। हम आपको बता दें कि घटना के बाद खरगोन सहित जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की है और नियम विरुद्ध काम करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 2 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा कुछ मार्ग अवरुद्ध करके और फिर एक रैली के रूप में जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम उठा था। चूँकि रोड अवरुद्ध किया गया था, इस वजह से भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक अपराध पंजीकरण किया गया। 6 उसमें नामजद हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक महिला डॉक्टर भी है। हाँ, ज्ञात हुआ है कि उसमें से एक प्रदर्शनकारी जो है शासकीय सेवा है, तो उसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन संबंधित विभाग के मुद्दे को दिया जाए। किस प्रकार से सर इसमें कार्रवाई होगी? सर भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीवत हुआ, उसके में विधि अनुसार कार्रवाई होगी और चूँकि शासकीय सेवा थी तो उसमें जो भी सिविल सर्विस रूल से उसके अंतर्गत कार्रवाई करने के संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। सर धारा 144 भी लगा दी गई, क्या रहेगा अभी जो संवेदनशीलता है और स्थिति को देखते हुए 2 महीने के लिए 10 जुलाई तक के लिए एक आदेश पारित हुआ, जिसमें किसी भी राजनीतिक धार्मिक जुलूस जैसे या फिर रैली प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंधित किया गया कि बिना अनुमति के ये प्रदर्शन न हो, इस संबंध में आदेश पारित किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।